Good morning, everyone. This is Dr. Sneha Sawant from DXA Clinic on Pune. विंटर का सीजन शुरू हो चुका है, ठंडी बढ़ रही है. जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है, लोग अपने आप को वार्म या गर्म रखने की कोशिश करते हैं, राइट? तो उसके लिए चाय पीना तो मस्ट है. सबका फेवरेट काम है चाय पीना, राइट? तो बहुत सारे लोग चाय तो पीते हैं, लेकिन चाय से रिलेटेड से प्रॉब्लम जो होने लगती है वो लेके डॉक्टर के पास आते हैं. चाय तो पीते हैं, तब तक के लिए गर्मी भी कम हो जाती है, लेकिन दूसरे जो प्रॉब्लम शुरू होने लगते हैं, जैसे इंडाइजेशन या फिर एसिडिटी बढ़ना, उल्टियाँ होना, नौशिया होना, जी मचलाना, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है. सबका एक कॉमन सवाल होता है कि मैम, चाय पीना तो जरूरी है, चाय की आदत तो नहीं छूटती है, तो क्या करें? तो आपको चाय की आदत नहीं बदलनी है, आपको बदलनी है चाय. तो ये है हमारी डीएक्सएम मसाला टी. हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हमेशा विंटर में मसाला टी या हर्बल टी, इसे हम हर्बल टी भी कह सकते हैं, इसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को लेने के लिए कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये इसमें बहुत सारे टाइप्स के आयुर्वेदिक हर्ब ऐड किए गए हैं. तो ये आयुर्वेदिक हर्ब ना सिर्फ आपकी चाय की टेस्ट को एनहांस करेगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा. आपकी जो रोग प्रतिकारक ताकत है, शक्ति है, उसको भी बढ़ाएगा. जानते हैं कि हमारे मसाला टी में कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स हमने ऐड किए हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. तो पहला आता है अश्वगंधा. आप सबको पता है कि अश्वगंधा एक रसायन की तरह काम करता है. एक आयुर्वेदा में इसे बल्य कहा गया है. आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपका स्ट्रेस रिलीज करने का काम करता है. हमें पता है कि अश्वगंधा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम करता है, मींस आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम करने का काम करता है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा क्लोव. क्लोव मींस लौंग, जो हम सबको पता है कॉमन हर्ब है, घर में भी मिलता है, लेकिन आपको इसके आयुर्वेदिक या थेरेपेटिक जो भी प्रॉपर्टीज है इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है. कि विंटर सीजन में हमारी भूख बढ़ती है, राइट? हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, बट हमारी एक्टिविटीज कम होती है, हम ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग तो ठंड की वजह से बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं. तो हमारी मूवमेंट एक्टिविटीज कम होती है और हम खाना ज्यादा खाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो डाउन होता है. लौंग दीपन पाचक का काम करती है, मींस एपेटाइजर एंड डाइजेस्टिव का काम करती है. क्लोव क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है, एंड जो भी आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने का भी काम करती है. नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है सिनेमन. सिनेमन आप सबको पता है कि गर्म होता है, राइट? उष्ण होती है, हॉट पोटेंसी होती है इसकी. इसके कारण ये हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत हेल्पफुल है, बीपी को कंट्रोल रखने का काम करता है, जितने भी पेशेंट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करती है. एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बताई गई है सिनेमन की. तो अगर किसी को जॉइंट में पेन है या जॉइंट में सूजन है कहीं पे भी, बहुत सारे अभी अर्थराइटिस के पेशेंट को विंटर सीजन में बहुत तकलीफ होती है, छोटे छोटे जॉइंट्स में भी स्वेलिंग होती है, घुटनों में स्वेलिंग होती है, एंकल जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग होती है, अगर आप रेगुलरली मसाला टी का कंज्यूम करते हो तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जैसे जिंजर है, कार्डमम है, ये सब चीजों से आपकी स्वेलिंग कम होने में मदद होगी. नेक्स्ट हमारा इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी. तुलसी तो बहुत कॉमन है इंडियन फैमिलीज में, सबको हमें तुलसी के बारे में बहुत सारी जानकारी है. जितने भी अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है उसमें तुलसी बहुत अच्छा काम करती है. एज अ माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है, टीथ एंड गम का इन्फेक्शन भी दूर करने में काम करती है. यष्टि मधु, जितने भी लोगों को गले में खराश है या बोलने में तकलीफ होती है तो यष्टि मधु जो है, मुलेठी जो है, तो ये आपको सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देने का काम करती है, आपके गले की सूजन कम करती है. नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है इसमें जिंजर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है. इसमें जिंजरल एंड शगल नाम के कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि इससे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देने का काम करते हैं. तो मीन्स आपके थ्रोट में कहीं पे इन्फेक्शन हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो, चेस्ट में कंजेशन हो या स्वेलिंग हो कहीं पे भी, नेजल इन्फ्लेमेशन हो, तो उसमें काम करने का काम करती है. वो इन्फ्लेमेशन कम करने का काम जिंजर करती है. और जिंजर में थर्मोजेनिक एजेंट पाए गए हैं, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने का काम करते हैं.
कार्डमम। कार्डमम तो हम सबको पता है, हमारे घर में इसका यूज भी होता है। हम कार्डमम को एज अ माउथ फ्रेशनर भी यूज करते हैं। और वैसे ही टीथ का इन्फेक्शन हो या गम का इन्फेक्शन हो, ब्लीडिंग हो कहीं पे, तो इसमें भी कार्डमम बहुत हेल्पफुल बताया गया है। अगर थ्रोट का इन्फेक्शन हो तो थ्रोट के इन्फेक्शन को कम करने का काम भी कार्डमम करता है। तो आप सबको पता है कि आसामी टी कितना फेमस है, राइट? तो आसामी टी के साथ अगर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स आपको मिल रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होने ही वाली है, राइट? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको पता है कि सर्दी में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, या तकलीफ होती ही है, मोस्ट ऑफ लोगों को होती है, तो अगर आप पहले से ही आप इसका प्रिकॉशन करोगे तो आपके पास ये सारी तकलीफें आएगी ही नहीं, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ विंटर में ही ये टी लेनी है, आप 12 महीने ये टी ले सकते हो। ये आपको उतना ही फायदा देगी, और भी ऋतुओं में और भी सीजन्स में इतना ही आपको इफेक्ट देगी। ये विंटर क्यों कहा मैंने, क्योंकि अभी विंटर में ठंडी के मौसम में ज्यादा चैलेंजिंग सीजन होता है और जल्दी से हमें इन्फेक्शन कैच होता है। इसीलिए मैंने स्पेशली विंटर में आपको रेगुलरली कंज्यूम करने के लिए कहा है मसाला टी। सो विंटर वेलनेस इज स्टार्ट विद यू एंड अवर डीएक्सएल मसाला टी। सो बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।